my support to israel and uh, jews. and uh, way before this whole massacre by the terrorists started, i've been very vocal about. also because we as a hindu nation, what has been happening to hindus and uh, even the hindu genocide for centuries that continued, we identify a lot with jews. we were, all of us, uh, disturbed and shocked by the 15th film. मेरी फिल्म आई है तेजस, जो कि कई लोगों को भ्रम में डाली हुई थी कि एक लड़ाकू विमान पर होगी लेकिन आ, जो असली घोड़े पर नहीं चढ़ सकी वो असली लड़ाकू विमान पर क्या चढ़ेगी तो इस फिल्म में मैंने कहा तेजस विमान जाए तलहंडे में मैं क्या किसी लड़ाकू विमान से कम हूँ क्योंकि देखो लड़ाकू तो मैं हूँ और वुमान भी मैं हूँ तो मैं लड़ाकू वुमान तो हूँ इसीलिए मैंने कहा कि इस फिल्म में जो तेजस है तेजस गिल वो मैं ही प्ले करूंगी क्योंकि क्वीन में देखिए क्वीन मैं थी मणिकर्णिका में मैं ही मणिकर्णिका थी थलेवी में भी मैं ही थलेवी थी इस फिल्म में कैसे मैं किसी को आ, त, किसी और को तेजस बनने दे सकती हूँ इसीलिए इस फिल्म में मैं ही तेजस हूँ मणिकर्णिका में डायरेक्टर को बाहर कर दिया था इस फिल्म में भी डायरेक्ट विमान को ही आ, बाहर कर दिया है और आ, उसकी जगह ले ली है जजमेंटल है क्या मैं मैं मेंटल बनी थी गैंगस्टर तो मैं रियल लाइफ में हूँ ही आ, उसके अलावा Uh, और भी जितनी मेरी फिल्में हैं रिवॉल्वर रानी उसमें मैं रिवॉल्वर रानी बनी हूँ बस एक फिल्म थी uh, जिसमें मैंने थोड़ा सैक्रिफाइस किया मैंने समझौता किया एक आदमी के लिए और उसको क्रिश बनने दिया लेकिन वो आज़ादी गैंग वाली uh, आज़ाद के साथ चला गया है uh, तो आइंदा मैंने सोच लिया है कि जो फिल्म होगी वो मैं ही बनूंगी हमेशा की तरह और किसी और को बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी सब की वाट लगा के रख दूंगी सबको स्पॉइलर तो नहीं देना चाहती हूँ लेकिन इमरजेंसी में इमरजेंसी भी मैं ही बनूंगी आ, मैंने हाल फिलहाल में आ, ये भी सुना है कि आ, ये लोग राफेल पे फिल्म बनाने वाले हैं Uh, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि uh, एक टेनिस प्लेयर पे लोग uh, क्यों फिल्म बना रहे हैं uh, मेरा नॉन सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है uh, दोस्तों जब से तेजस आई है uh, तेजस ने पूरे बॉलीवुड को बेबस कर दिया है इसकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई है इनफैक्ट uh, ब्लैक में भी टिकट्स बिके हैं और ब्लैक की टिकट्स बिकने के बाद भी uh, जो है पूरी टोटल कमाई हुई है पंद्रह uh, लाख रुपए तो uh, आज देश में कोई तो बोल सकता है कि, आ, मेरे अकाउंट में पंद्रह लाख रुपए आए हैं और आ, ये उन सब लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो लोग कहते थे कि सारा ब्लैक मनी वापस आने पर लोगों के अकाउंट में पंद्रह लाख नहीं जाएंगे ब्लैक मनी से ही ब्लैक में टिकट बिकने से ही मेरे अकाउंट में आज पंद्रह लाख रुपए आए हैं देखिए ये फिल्म अगर आप नहीं देखते हैं तो आप देशद्रोही होंगे आपको सवाल मन में आ रहा होगा कि आपकी फिल्म नहीं देखेंगे तो हम देशद्रोही कैसे हो जाएंगे तो वो भी मैं आपको बताती हूँ देखिए ये फिल्म जो है आ, ये है मिसाइल्स के बारे में इसमें है लड़ाकू विमान इसमें देश के ड्रोन्स हैं तो अगर ये फिल्म आप देखते हैं तो आप देश ड्रोनी होंगे और आप नहीं देखते हैं तो आप देशद्रोही होंगे तो अब आपको फैसला करना है कि आपको देश द्रोही बनना है या देश ड्रोनी बनना है अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि आ, आ, ये आपकी फिल्म नहीं देखने से हम देशद्रोही कैसे साबित हो जाएंगे तो आ, मैं आपको समझाती हूँ मेरी जो आईटी टीम है वो आपके बारे में रूमर फैलाएगी कि आप चीन से पैसा लेते हैं चांद से पैसा लेते हैं कहाँ कहाँ से पैसा लेते हैं तो आ, जो आ, पहले चीन से पैसा लेते थे वो माफ़ी के काबिल है लेकिन आप नहीं होंगे तो आपके घर में उसके बाद दूसरी आईटी टीम आएगी जो रेड करेगी तो हमारी दो आईटी टीम्स हैं एक आपके खिलाफ रूमर फैलाएगी क्योंकि मेरी आईटी टीम का सेंस ऑफ रूमर भी बहुत अच्छा है और दूसरी आईटी टीम आपके ऊपर रेड करेगी तो इसीलिए अब फैसला आपका है कि आपको देशद्रोही बनना है या देश ड्रोनी बनना है अभी आपके पास समय है कि फटाफट आप थिएटर जाके फिल्म देख लीजिए वरना दोनों आईटी टी में आपको जेल पहुंचा देंगी और फिर आपको बाहर आके ओटीटी पे देखनी पड़ेगी उससे अच्छा है अभी जाइए तुरंत और देखिए है। वो घबराए हुए हैं और कह रहे हैं कि दीदी हमें आप इसराइल के समर्थन में इतना बोलती हैं कहीं हमास थिएटर पे बम ना गिरा दे तो आ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको डरना बिल्कुल नहीं है जो भी मोदी जी के सोल्जर्स है उन्हें साथ में एकजुट होकर घरों से निकलना है ये संग्राम लड़ना है थिएटर तक जाना है और ये फिल्म देखनी है थिएटर तक जाएं और एक स्वर में आप जोर से चिल्लाएं, जय मणिकर्णिका का जो मन करे सो करने का